हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीएस साइंस स्टूडियो। और इसी सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, के क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 देखे थे। तो अब हम उससे अगले क्वेश्चन 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इन सवाल का सोल्यूशन 1x1 करके हिंदी में समझते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.4 है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं होने वाला, लेकिन इसमें जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो यूज होने वाला है। डायमेंशन एनालिसिस, भीमीय विश्लेषण, उसका यूज करके इस सवाल को हम समझने वाले हैं। सवाल देखते हैं, इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। लाइक एक हमें इसमें कथन दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कथन दिया हुआ है, इसके बारे में हमें बताना है क्या ये कथन सही है या नहीं है, क्यों है, ये सारा बताना है। और इस कथन को हमें देखते हुए नीचे कुछ पार्ट दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त करना है। ये कुछ कथन दिए हुए हैं, जहां कहीं भी आवश्यक है उन्हें हम दूसरे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहली बात तो अब हम इस कथन के बारे में देखते हैं क्या ये कथन सही है या नहीं। तो कथन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मानक संदर्भ की तुलना में बीमाहीन राशि छोटी या बड़ी हो सकती है। मतलब ये है कि हम बीमाहीन राशि को ऐसे ही, मतलब बिना किसी मानक के, छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीमाहीन राशि छोटी या बड़ी हो सकती है। और इसी कथन के आधार पर हम पहला कथन देखते हैं, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। हाँ ये बात ठीक है, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा ना कि किस चीज की तुलना में छोटे पिंड होते हैं। तो हमें इस कथन को दूसरे शब्दों में व्यक्त करना होगा कुछ इस तरह से। हम लिख सकते हैं कि परमाणु जो हमारे पैन होते हैं उनकी तुलना में बहुत छोटे पिंड होते हैं, या यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो परमाणु से बड़े होते हैं, लाइक हमारे पास कैलकुलेटर होता है, इरेजर, पैन, स्केल टाइप ऑफ थिंग। तो जो परमाणु होते हैं वो पैन की तुलना में या इसकी जैसी कोई और चीज की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। तो जो पहला कथन था हमने इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त किया। हम ऐसे ही किसी चीज को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते, हमें जो है दूसरे चीज की तुलना में उस चीज की कंपेयर करना पड़ेगा, उसको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, हम दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। हाँ ये बात सही है, अत्यधिक गति से चलता है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा ना कि किस चीज की तुलना में, और कौन सा ऐसा यान है या कौन सा ऐसा वाहन है जिसके तुलना में ये वायुयान अत्यधिक तेज गति से चलता है। तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे कि जेट वायुयान बस की तुलना में अधिक तेज गति से चलता है, या यहाँ आप कुछ भी चलने वाली चीज लिख सकते हैं जो जेट वायुयान से कम चलता है। तो अगला कथन देखते हैं हम, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। हाँ बिल्कुल अधिक है, लेकिन अब हमें यहाँ ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किस दूसरी चीज के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तो हम लिख सकते हैं कि बृहस्पति का द्रव्यमान एक बॉल की तुलना में बहुत अधिक है। यहाँ हम कुछ भी ऐसी चीज लिख सकते हैं जिसका द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह से कम हो। ठीक है, अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। हाँ ये बात ठीक है, बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ तुलना करके बताना पड़ेगा कि और किस दूसरी चीज की तुलना में ये वायु के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। तो इस कथन को भी हम दूसरे शब्दों में लिखते हैं कुछ इस तरह से कि इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या हमारे पास पुस्तकों की संख्या से बहुत अधिक है, या हमारे पास कोई और दूसरी चीज है, हम कह सकते हैं हमारे पास उपस्थित पेन, हमारे पास उपस्थित फोन, ईयरफोन्स, कुछ भी इस तरह की चीज जिसका नंबर उन अणुओं की संख्या से कम है। तो इस कथन को भी हमें दूसरे शब्दों में लिखना पड़ेगा। फिर हम अगला कथन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन से भारी होता है। नहीं मुझे लगता है, हाँ तो ये कथन मुझे लगता है गलत प्रिंट हो गया है उनसे, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। तो हम कुछ रिफ्रेम करते हैं कथन को, लिखते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है,
और देखो यहाँ पे जो है एक कंपैरिजन हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब यहाँ हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कंपेयर करा है, तो यहाँ ये कथन बिल्कुल सही है, हमें इसे रीफ्रेम करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा इनसे मिसप्रिंट हो गया था तो इसलिए हमने लिखा। अगला कथन हम देखते हैं, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। हाँ ये बात भी सही है, और यहाँ पे ध्वनि की गति और प्रकाश की गति को कंपेयर करा गया है, इसका मतलब बस ये स्टेटमेंट को हमें दूसरे शब्दों में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा जो सवाल नंबर 2.4 था ये पूरा हो जाता है, और इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये एक छोटा सा बीमीय विश्लेषण पर आधारित सवाल है और इतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो जो 2.5 सवाल है वो है, लंबाई का कोई एक ऐसा नया मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल एक है। हमें पता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वो हमने एक चुन लिया थी, उसे जो है हमने एक के बराबर मान लिया, ये सवाल में बताया गया। फिर आगे क्या दिया हुआ देखते हैं, लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगाता है। तो हमें क्या बताना है, जो एक आया नया मात्रक जो है इसके पदों में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, जबकि लाइट 8 मिनट और 20 सेकंड में सूरज से पृथ्वी तक आ जाती है। तो इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी सूरज से पृथ्वी के बीच, ठीक है। तो दूरी का सब फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल हमें किसकी रखनी पड़ेगी, लाइट की, क्योंकि लाइट ही तो आती है ना, तो लाइट की निर्वात में चाल हमें पता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, हम यहाँ रखते हैं समय। समय के बारे में बात करते हैं, देखो समय 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है, तो हम क्यों ना इसे पूरे को एक ही यूनिट में चेंज कर लें, लाइक समय सेकंड में बदल दिया हमने, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि जो फिजिक्स में कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो मिनट था और सेकंड था इन्हें हम दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि 8 मिनट को हमने सेकंड में बदल देंगे, तुम्हें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और प्लस 20 सेकंड पहले से दिया हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 20 ऐड करेंगे तो 500 सेकंड, ठीक है। तो 500 सेकंड हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास दूरी आ जाएगी, दूरी कितनी हमारे पास, ये दूरी आएगी, ये दूरी तो हमारे पास मीटर में होगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है हमें मीटर में दूरी नहीं निकालनी है, हमें जो लंबाई का नया मात्रक सवाल में बताया है एक जो कि 3×10⁸ के बराबर है उसके पदों में निकालनी है। तो 1 × 3×10⁸, तो जहां पे भी यहाँ 3×10⁸ है यहाँ हम एक रख देंगे, हमने यहाँ एक रखा और 500 ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 और ये कुछ एक नया मात्रक होगा, इस मात्रक का नाम नहीं पता तो इसलिए हमने यहाँ मात्रक लिख दिया। तो जो फाइनल आंसर है वो है दूरी बराबर 500 मात्रक। तो आई होप ये सवाल भी क्लियर होगा और अगले सवाल देखते हैं हम। हाँ तो अगला सवाल कुछ ये है कि लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है, मतलब हमें यहाँ पे तीन यंत्रों के बारे में बताया है और हमें बताना है इसमें सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है लंबाई या दूरी मापने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी यंत्र की अल्पतमांक सबसे कम होगी वो यंत्र सबसे परिशुद्ध होगा। अब अल्पतमांक आई होप आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अल्पतमांक जो है वह कम से कम दूरी होती है जो किसी भी यंत्र से मापी जा सकती है, मतलब हम किसी भी यंत्र से कम कितनी दूरी नाप सकते हैं उसी दूरी को हम अल्पतमांक कहते हैं। तो आई होप ये अल्पतमांक की डेफिनेशन भी क्लियर होगी, लेकिन हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र होगा। तो पहला देखो क्या है, एक बर्नियर कैलिपर्स जिसके बर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है, तो एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है, आपने अपनी फिजिक्स लेबोरेटरी में भी देखा होगा। तो ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी हेल्प से हम दूरी को नाप सकते हैं और इसकी अल्पतमांक जो है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है, यहाँ मुझसे लिखने से छूट गया था। तो इसकी जो अल्पतमांक होती है 0.1 सेंटीमीटर होती है,
फिर हम दूसरे के बारे में देखते हैं, स्क्रू गेज, जिसका चूड़ी अंतराल 1 mm है और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। तो जो स्क्रू गेज है ये भी एक लंबाई को मापने वाला यंत्र है और इसकी जो अल्पतमांक है वो होती है 0.01 सेंटीमीटर। ये आप तब समझेंगे अच्छे से जब आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करेंगे कि अल्पतमांक एक्चुअली है क्या। वैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम जितनी दूरी हम माप सकते हैं उसको ही हम अल्पतमांक कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो जो दूसरा वाला है उसकी अल्पतमांक कितनी है, और तीसरा वाला देखते हैं, कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा के अंदर लंबाई नाप सकता है। अब हमें पता है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, तो जो जो तीसरा वाला यंत्र है प्रकाशिक यंत्र, उसकी जो अल्पतमांक होगी वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होगी। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 10^-5 सेंटीमीटर की होती है लगभग। तो ये देखो यहाँ पे हम कम से कम इतनी 10^-5 सेंटीमीटर दूरी नाप सकते हैं, और तो हम यहाँ बता रहे थे कि जिसकी अल्पतमांक सबसे कम होगी। तो यहाँ पे देखो अल्पतमांक सबसे कम प्रकाशिक यंत्र की है, क्योंकि हम इससे बहुत छोटी दूरी नाप सकते हैं, तो यही यंत्र सबसे परिशुद्ध यंत्र होगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जिस भी प्रकाशिक यंत्र या जिस भी यंत्र की अल्पतमांक सबसे कम होगी वही यंत्र सबसे परिशुद्ध होगा। तो इसका जो आंसर है वो सी है, कि जो प्रकाशिक यंत्र है उसकी अल्पतमांक सबसे कम है, तो आंसर सी। तो आई होप ये सवाल भी क्लियर होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल है, कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 200 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिलीमीटर है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? तो देखिए, ये एक स्टूडेंट है कोई, एक विद्यार्थी, और वो अपनी लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल ही बोल सकते हैं। तो वो जो है एक बाल लेता है ह्यूमन हेयर, और उसे जो है वो एक सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जर्व करता है, सूक्ष्मदर्शी से देखता है, और वो सूक्ष्मदर्शी ऐसा है जिसकी आवर्धन 100 है। आवर्धन का मतलब है कि वो जो है 100 बार जूम करके दिखाता है, मतलब जो भी बाल का साइज था उससे 100 गुना बड़ा दिखाता है। देखो ये आवर्धन कुछ इस तरह से होता है जैसे हमारे फोन में जूम होता है, जैसे हमारे फोन के कैमरे का जूम 5x 6x होता है, तो इसी तरह से जो सूक्ष्मदर्शी उस विद्यार्थी ने यूज करा वो 100 टाइम जूम करके हमें दिखाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को 100 टाइम बड़ा इमेज दिखाता है वो सूक्ष्मदर्शी। तो हमें बताना है क्या बाल की मोटाई, मतलब बाल की जो एक्चुअल मोटाई थी वो कितनी होगी। तो हमने देखो कुछ लिखा है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 100 और सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की मोटाई, तो सूक्ष्मदर्शी से जो स्टूडेंट ने देखा तो बाल की मोटाई 3.5 मिलीमीटर आई। अब जो एक्चुअल होगी वो इससे 100 गुना कम होगी, मतलब कुछ इस तरह से अगर हम इसे 100 से भाग कर दें क्योंकि आवर्धन 100 था, तो जो बाल की एक्चुअल मोटाई है वो हमारे पास आ जाएगी। तो देखो हमने यही किया है, बाल की जो वास्तविक मोटाई है वो जो इमेज हमें दिखाई दी उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बाल की एक्चुअल मोटाई 0.035 mm आ जाएगी। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। बस यहाँ ये आवर्धन एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, इसका मतलब है जूम करना किसी भी चीज को। अगर आवर्धन 100 है तो इसका मतलब किसी भी चीज को 100 टाइम जूम करना। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। इसमें देखो 3 पार्ट है। पहला सवाल है, आपको एक धागा और एक मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। तो हमारे पास एक धागा है और एक मीटर पैमाना है, और हमारे पास जो धागा है उसका हमें व्यास बताना है। तो इसे हम देखो किस तरह से करते हैं, क्या अप्रोच हमारा होने वाला है सवाल को सॉल्व करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास धागा है उसे हम कोई एक समान रोड पर लपेट देंगे, उसके हम फेरे बना देंगे, और वो फेरे ऐसे होंगे जो एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे होंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन फेरों को गिन लेंगे, लाइक 10 फेरे हुए 20 फेरे हुए हम उन गिन लेंगे, और फेरों को गिनने के बाद हमारे पास मीटर पैमाना है, तो मीटर पैमाने की हेल्प से हम धागे की लंबाई भी नाप लेंगे। तो हमारे पास धागे की लंबाई है और फेरों की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, हमें व्यास निकालना है धागे का, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं।
धागे की लंबाई और फेरों की संख्या, जो भी हमारे पास आएगा इसे सोल्व करके वही ब्यास होगा। और बस यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, तो अगर हम ये मीटर में नापेंगे तो हमारे पास ये मीटर में आंसर होगा, और यहाँ सेंटीमीटर होगा तो यहाँ सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आई होप ये सवाल भी क्लियर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1.0 mm है और उसके बृहत्तम पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है? देखो सवाल क्या है, आपने स्क्रू गेज देखा ही होगा, तो क्या होता है कि स्क्रू गेज में दो स्केल होती है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो इसमें यही लिखा है कि जो वर्नियर स्केल, जो वृत्तीय पैमाना भी बोलते हैं, उस पर 200 विभाजन है। अगर हम इन 200 विभाजन को अपनी मर्जी से बढ़ा के 300, 400, 500 कर दें तो क्या उस स्क्रू गेज की यथार्थता बढ़ेगी? क्या उससे आने वाली रीडिंग में, उससे नापे जाने वाली लंबाई में परिशुद्धता बढ़ेगी? तो ये हमसे पूछा गया है कि अगर हम खान विभाजनों की संख्या बढ़ा दें तो क्या उस यंत्र की परिशुद्धता बढ़ेगी? तो इसका जवाब आप सोचिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करिए और जवाब सोचिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके जवाब सोचा होगा। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या उस यंत्र की परिशुद्धता बढ़ेगी या नहीं। तो इसका आंसर है, देखो नहीं, ये संभव नहीं है। ऐसा करने से केवल कुछ हद तक ही यथार्थता बढ़ाई जा सकती है, और वो जो भी यथार्थता बढ़ेगी वो नगण्य होगी। तो अगर हम अपनी इच्छा से वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बढ़ाते हैं तो उससे यथार्थता नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। बर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य मान व्यास मापा जाना है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है? तो देखो इस सवाल में क्या बताया गया है, इसमें जो वर्नियर कैलिपर्स है, एक यंत्र है जिससे हम लंबाई को नापते हैं और जिसकी अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होती है, मतलब उससे हम कम से कम 0.1 सेंटीमीटर की दूरी नाप सकते हैं। अब क्या बताया गया कि हमने वर्नियर कैलिपर से हम किसी पीतल की पतली छड़ का हम व्यास निकाल रहे हैं, और ये बताया कि 5 रीडिंग ली और एक बार हमने 100 रीडिंग ली, तो 100 रीडिंग वाला जो आंसर है वो ज़्यादा सही होगा या 5 वाला? तो ऑब्वियसली 100 वाला जो है ज़्यादा सही होगा। और इसमें ये भी पूछा है क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम रीडिंग लेते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी माप में परिशुद्धता बढ़ती जाएगी। लाइक अगर हम 100 की जगह 10,000 या 1 मिलियन 2 मिलियन ले लें तो हमारी बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट आएगी, लेकिन रियल लाइफ में करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम उतना ही ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बार माप करेंगे। तो बस यही बताना है कि 100 बार मापों में ज़्यादा परिशुद्धता होगी या 5 मापों में? तो आंसर है 100 मापों में ज़्यादा परिशुद्धता होगी, और मैंने लिखा भी है क्योंकि मापनों की संख्या बढ़ाने से त्रुटि कम हो जाती है। तो आई होप ये सवाल भी क्लियर होगा। वैसे ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी थ्योरेटिकल है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, पर फिर भी देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर करने वाला है। ठीक है, अगला तो एक प्योरली न्यूमेरिकल है और इसके बारे में हम देखते हैं। किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्तन हमें बताना है। यहाँ देखिए एक चीज है, रेखीय आवर्तन हमें बताना है, हमें कुछ डेटा दिया हुआ है और हमें रेखीय आवर्तन बताना है। तो पहले सवाल समझते हैं, सवाल है क्या। देखिए 35 mm, अब ये लंबाई चौड़ाई तो हो नहीं सकती, आई थिंक ये किसी एक फिल्म की, एक फोटोग्राफिक फिल्म की मोटाई है। उस फोटोग्राफिक फिल्म पे हमने क्या करा, किसी मकान का एक हमने फोटो लिया, पिक्चर लिया, तो जिसका क्षेत्रफल 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने क्या करा कि उस फोटो को हमने प्रोजेक्टर की हेल्प से हमने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया। तो जैसे हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया तो हमने जब क्षेत्रफल देखा तो क्षेत्रफल 1.55
मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हमें बताना है कि रेखीय आवर्धन क्या होगा। आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि आवर्धन का मतलब जूम, मतलब बड़ा करके दिखाना। तो हम फॉर्मूला भी पता है हमें रेखीय आवर्धन का, और हम देखते हैं अभी क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो पहला देखो, स्लाइड पर घर का क्षेत्रफल जो इनिशियल था वो 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और स्क्रीन पर घर का क्षेत्रफल देखो जो हमने बाद में प्रोजेक्ट के बाद देखा तो 1.55 मीटर स्क्वायर आया। अब यहाँ देखो यूनिट अलग अलग है, तो हम यूनिट एक जैसी बनाएंगे। भाई फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट एक जैसी बनाना, तभी हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ मीटर है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। हमने सेंटीमीटर में बदला 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक है क्षेत्रफलीय आवर्धन और एक रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो वर्गमूल है क्षेत्रफलीय आवर्धन का। जो क्षेत्रफलीय आवर्धन है वो है इमेज का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। तो हमें इमेज का क्षेत्रफल देखो ये था और ये हमने यहाँ पुट करा, और फिर हमने वस्तु का क्षेत्रफल देखो ये था यहाँ पुट करा, और यूनिट बिल्कुल एक जैसी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये हमारे पास आया क्षेत्रफलीय आवर्धन, लेकिन हमें तो रेखीय आवर्धन निकालना है। तो रेखीय आवर्धन होता है वर्गमूल क्षेत्रफलीय आवर्धन। तो जो हमारे पास क्षेत्रफलीय आवर्धन आया उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे और वही हमारे पास, वही हमारा आंसर होगा। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आंसर आता है फाइनल 94.11। तो ये है हमारा रेखीय आवर्धन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो यहाँ जितने भी 4-5 सवाल दिए हुए हैं उनमें हमें बताना है सार्थक अंकों की संख्या। तो देखिए पहली बात तो आप ये जो है सार्थक अंक बताने के नियम अपनी किताब से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे इस चैप्टर में लिखे हुए हैं। और फिर हम मैं भी यहाँ पे आपको साथ साथ नियम बताता जाऊँगा कि किस तरह से सार्थक अंक हम बता सकते हैं। तो ये सवाल देखते हैं कि नंबर दिया है 0.007। तो डेसिमल देखिए, ये जीरो तो सार्थक अंक होगा नहीं, और यहाँ पे देखिए डेसिमल के जस्ट बाद वाले जीरो भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ ये दो जीरो सार्थक अंक नहीं है, और जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ केवल एक ही बचता है 7, तो यहाँ पे केवल एक सार्थक अंक है। अगला सवाल, तो यहाँ पे 2.64 दिया हुआ है। इस 10 को हम जो भी 10^10 में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बस यहाँ केवल नंबर देखेंगे। तो यहाँ सारे नॉन जीरो नंबर है, कोई भी जीरो नहीं है। तो नियम ये था कि सभी नॉन जीरो नंबर सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सार्थक अंक है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला अगर जीरो है तो सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ नॉन जीरो नंबर है। तो हम देखते हैं 1, 2, 3 नॉन जीरो, पॉइंट क्या इस जीरो सार्थक अंक में गिना जाएगा या नहीं। तो आंसर है हाँ, ये भी सार्थक अंक होगा। ये जो सी सवाल है इसमें 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कितने सार्थक अंक होंगे। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करी होगी। तो इसमें मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 4 सार्थक अंक है, 1, 2, 3, 4, ये वाला जीरो भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। देखो अगर डेसिमल के जस्ट बाद जीरो है तो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल के जस्ट बाद नॉन जीरो और उसके बाद जीरो नंबर है तो वो सार्थक अंक होगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे। अब ये भी एक किताब में नियम है, आप देख लीजिए वहां से। और ये लास्ट सवाल देखिए, यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, यहाँ पे देखिए डेसिमल के जस्ट बाद जीरो है और इससे पहले नॉन जीरो है, तो ये वाला कोई सा भी सार्थक अंक नहीं होगा। और यहाँ जो बचते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक होंगे 4, इसमें भी 4 होंगे। देखो डेसिमल के जस्ट बाद जीरो तो है लेकिन इससे पहले नॉन जीरो है, तो ये भी एक नियम है। तो इसमें भी 4 सार्थक अंक होंगे। ये आप कुछ नियम से देख सकते हैं, और इन सवाल की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको आ जाएंगे, और बहुत ही आसान होता है सार्थक अंक बताना। तो अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग एंड थैंक यू।